नमस्कार दोस्तों, शान किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं टेस्टी पालक की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं 500 ग्राम पालक को पत्ता ले ली हूँ। पालक को मैं डंठल को हटा दी हूँ, ऐसे अच्छे से मैं 3-4 पानी से इसे साफ कर ली हूँ। अब मैं पालक को छोटे छोटे टुकड़ों में इसे मैं काट लेती हूँ। पालक की दाल ऐसे भी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पालक पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काम आती है। तो पालक सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, तो इसे सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए, मैं सारे पालक को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे काट ली हूँ। अब मैं चलती हूँ इसका दाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं कुकर को गर्म कर लेती हूँ। गैस को मैं जला दी हूँ, कुकर हमारा गर्म है। अब मैं इसमें तेल को डाल देती हूँ। तेल को आप डाल के इसे अच्छे से गर्म कर लें। मैं इसमें तेज़पत्ता को डाल दी हूँ, जीरा तेज़पत्ता को डाल दी हूँ, मिर्च मैं डाल दी हूँ। जीरा मिर्च तेज़पत्ता हमारा पक गया है। मैं चना का दाल ली हूँ। चना का दाल को अच्छे से मैं दो पानी से धो ली हूँ। इसमें मैं डाल के भून लेती हूँ। दाल को आप अच्छे से इसे भून लें। पहले दाल आप अच्छे से इसे भूनेंगे तो ये टेस्टी लगेगी खाने में। दाल को मैं थोड़ी देर इसे भून लेती हूँ। तो आप इसे इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे तो ये रेसिपी जो है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसे सभी लोग पसंद भी करेंगे। तो मैं दाल को भून ली हूँ। इसमें मैं बारीक कटी हुई पालक को डाल देती हूँ। मैं सारे पालक को इसमें डाल देती हूँ। ऐसे मैं छोलनी से मिला लेती हूँ। आप इसे अच्छे से थोड़ी देरी से दोनों चीज़ों को आप भून लें। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दाल को हम अच्छे से इसे भून लिए हैं। अब मैं इसमें मसाला को डाल देती हूँ। अदरक लहसुन गोल मिर्च का पेस्ट डाल दी हूँ। एक चम्मच में हल्दी पाउडर को डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं गर्म मसाला को डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक को डाल के मैं इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। आप इसे अच्छे से थोड़ी देर और भून लें तो ये दाल जो है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं दाल को अच्छे से भून ली हूँ। तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं दाल को अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ। मैं 2 से 3 गिलास इसमें पानी को डाल देती हूँ। आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं पानी को डाल दी हूँ। ऐसे मैं ढक्कन को बंद कर देती हूँ। अब 5 से 6 सीटी से लगवा लेती हूँ। हमारा दाल बनकर तैयार है। ये लग रही है ना टेस्टी दाल। मैं आशा करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। तो आप सभी को कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप सभी को ये दाल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलती हूँ आप सभी से कल नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।